एवरीवन, वेलकम टू रितुज ऑनलाइन क्लासेस। आपने अपने आसपास बहुत तरह के रॉक्स देखे होंगे, पर कभी सोचा ये कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं? आज पढ़ते हैं हम इसके बारे में। तो रॉक्स जो होते हैं ना, वो मिनरल से बने होते हैं। द रॉक इज अ नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। सारे रॉक हार्ड नहीं होते, कई हार्ड होते हैं, कई थोड़े सॉफ्ट भी होते हैं, जैसे कि क्ले है, चॉक है। रॉक्स के अलग अलग शेप, साइज और कलर होते हैं। इनको लार्जली हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन: इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। एक एक करके ईच टाइप ऑफ रॉक के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। सो द नंबर वन इज इग्नियस रॉक। इग्नियस जो टर्म है ना, उसका मतलब होता है कमिंग आउट ऑफ फायर, तो जो आग से निकलता है। बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से एक मॉल्टन मटेरियल निकलता है, जिसको कि हम मैग्मा बोलते हैं। अर्थ के सरफेस पे आके वो सॉलिड होके लावा बन जाता है। तो उसके कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक्स बनते हैं, उनको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, ग्रेनाइट एंड बेसल्ट। नंबर टू इज सेडिमेंट्री रॉक। ये क्या होता है, ओरिजिनली एक बड़े रॉक में से निकलते हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े एक्यूमुलेट होते जाते हैं, जो कि लेयर्स बनाते हैं वन अबव द अदर। ये वाले रॉक जनरली रिवर साइड या सी साइड पे मिलेंगे, और इन रॉक्स के ऊपर आपको ना वेव्स, वाटर वेव्स के मार्क भी मिलेंगे। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, क्ले, शेल, चॉक, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स। कमिंग टू द थर्ड टाइप, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओरिजिनली दीज आर सेडिमेंटरी और इग्नियस इन नेचर, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके एक नया रॉक बनाते हैं, जिसको कि हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। जैसे कि लाइमस्टोन एक सेडिमेंटरी रॉक है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होके वो मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। सिमिलरली ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, बट चेंजेस के बाद वो जेनेसिस यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी रॉक्स के बारे में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।